अभिनंदन आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी के लिए मंगल कामना करते हुए शुरू करता हूं सप्तकोटि महासम्मान। कौन बनेगा महाकरोड़पति? देवियों सज्जनों, जिंदगी के इस सफर को आसान और यादगार बनाने के लिए हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है किसी का साथ। हमारे शरीर को ही देख लीजिए, जब एक हाथ का साथ देने के लिए दूसरा हाथ सामने आता है तो हर काम दोहरी फुर्ती के साथ पूरा हो जाता है। जब एक कदम का साथ निभाने दूसरा कदम आगे आता है तो हर मंजिल की दूरी बहुत जल्द मिट जाती है। कुछ ऐसा ही हमारे रिश्तों के साथ भी होता है। शरारतों में भाई बहन का साथ, जीवन के सफर में हम सफर का साथ, और दुआओं के रूप में माता पिता का साथ। जिंदगी की कहानी तभी पूरी होती है जब उसे पूरा करने के लिए कोई खूबसूरत जोड़ी साथ होती है। इस मंच पर भी हमारे ये जो कंप्यूटर जी हैं, ये हॉट सीट के बिना अधूरे हैं, हॉट सीट खिलाड़ियों के बिना अधूरी है, और मैं आप सबके बिना अधूरा। तो कल हॉट सीट पर एक धमाकेदार जोड़ी की एंट्री हुई थी, दो भाइयों की जोड़ी जो हमारे सामने विराजमान है, चांद और शादाब आलम। ये लालापुर डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खेड़ी उत्तर प्रदेश से आए हैं और कल इन्होंने अपनी जोड़ी का जबरदस्त तालमेल दिखाया। 25 लाख रुपए जीत लिए इन दोनों ने। आज देखते हैं कि इन जोड़ी की जो डबल दिमाग है और जितनी भी कामना है आपके अंदर, आपको और आगे ले जा पाती है या नहीं। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ चांद और शादाब, एक बार फिर इनका जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और आपकी श्रीमती जी सबात, आपको भी आदाब करता हूं मैं और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चांद शादाब, बहुत उमदा खेले आप। लाइफलाइन आपकी चारों चली गई हैं, कोड रेड जो है वो चालू हो गया है, लेकिन मेरा आपसे आग्रह है कि आप बहुत ध्यान से और सोच समझ कर खेलिए, क्योंकि अगला प्रश्न जो आज के इस खेल का पहला होगा वो 50 लाख रुपए का है। चलिए शुभारंभ करते हैं अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। हमारे साथ साथ भी आप खेल सकते हैं। SMS कीजिए PLAY और भेज दीजिए 52525 पर, या फिर हमारे जो वेबसाइट है www.kbcsony.com, उस पर आकर के आप हमारे साथ ये खेल खेल सकते हैं। चांद शादाब, आज के दिन का पहला प्रश्न आप दोनों के लिए यह है, 11वां प्रश्न, 50 लाख रुपए। तैयार हैं आप दोनों? जी सर, जी सर। आपके स्क्रीन के ऊपर 50 लाख रुपए जीतने के लिए ये रहा वो प्रश्न। '48 के बाद भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रित नोटों के भाषा पैनल पर किस भाषा की जगह है उड़िया को रखा गया? ऑप्शन सुनिए, ए सिंधी, बी नेपाली, सी पश्तो, डी बर्मीज। सिंधी होगी। कौन सी भाषा हटाई गई थी? बहुत नाजुक क्षण है ये आपके इस खेल के जीवन। अगर आपको सही उत्तर आता है, एकदम सही उत्तर, तो ही मैं चाहूंगा कि आप खेले आए, क्यूट करेंगे, वरना यहाँ अगर गलती हो गई तो नीचे पहुंच जाएंगे 3:20 पर। जी सर, क्यूट कर लेंगे सर। क्यूट करेंगे? जी सर। कंप्यूटर जी, चांद और शादाब आलम इस गेम को क्विट करना चाह रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर उनको मालूम नहीं है, हम अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। और 25 लाख रुपए जो आपने जीते हैं, ये जो चेक है ये अब आपका होगा। बहुत बहुत बधाई, बिग हैंड। जाने से पहले इस प्रश्न का सही उत्तर बताना, किसी एक को गेस कीजिए। जी हम तो सर सिंधी बोलते हैं, ये पश्तो बोल। आप सिंधी बोल रहे हैं, आप पश्तो, निर्णय कीजिए एक दोनों में से एक कोई। चलो इसकी बात पश्तो, इसी की बात मान लेते हैं। सी पश्तो पे ताला लगाइए कंप्यूटर जी, देखें ये सही होता है या नहीं। ये गलत होता, सही उत्तर है बर्मीज। बर्मीज सही उत्तर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फर्स्ट इशूड नोट्स इन 1935 व्हिच हैड 8 languages, 8 भाषाएं थी उसमें, उर्दू, हिंदी, बंगाली, बर्मीज, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ी जो कि कन्नड़ की भाषा है, और गुजराती। 1947 में द रिजर्व बैंक सीज टू एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा।
इसलिए बर्मीज भाषा को हटा दिया गया और उड़िया को नोटों में लाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन। थैंक यू सो मच चांद और शादाब आलम, आइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो देवियों सज्जनों, चांद और शादाब आलम बहुत ही तालमेल के साथ 25 लाख रुपए जीत लिए इन्होंने। अब बारी आ गई है देखने की कि हमारे इन दो हॉट सीट के ऊपर कौन सी जोड़ी बैठने वाली है। हमारी बेटी पायलट बनना चाहती है। अभी वो 5 साल की है, लेकिन आगे जाके वो जो भी राह पसंद करेंगी उसके सपने को पूरा करने के लिए हमें तैयार रहना है। इसीलिए हम कौन बनेगा करोड़पति में आ रहे हैं। भैया को अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्प्लीट करने के लिए मेरी मदद की जरूरत पड़ती है। आपकी बार कौन बनेगा करोड़पति में आने के लिए भी भैया को मेरी मदद की जरूरत ही पड़ी। मेरी एक छोटी सी गलती की सजा मेरे पूरे परिवार को भुगतना पड़ी। मैं नहीं चाहता कि कोई इस प्रकार की सजा भुगते। हमारी शादी को 3 साल हो गए। अब पिछले 3 साल से हमारा आर्गुमेंट सिर्फ एक ही बात को लेकर होता रहता है, और ये आर्गुमेंट अमित जी के माध्यम से ही खत्म हो सकता है। हमारी शादी को 32 साल हो गए और हम कभी भी अलग नहीं रहे, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी है कि हमें इकट्ठा रहने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। पापा कहते हैं कि चादर देख के पैर फैलानी चाहिए, पर मेरे हिसाब से चादर ही बड़ी कर देनी चाहिए। इरादे हैं पक्के, हौसले बुलंद, आए हैं देवर भाभी जीतने ज्ञान की जंग। मेरी माँ ने अपनी सारी जिंदगी हमारे लिए जी है, अब मैं चाहती हूँ कि वो अपनी जिंदगी अपने खुद की खुशी के लिए जिए। मेरी वाइफ ने ही मेरी लाइफ बचाई है और मेरी लाइफ को ही लेके मैं कौन बने करोड़पति में आ रहा हूं। तैयार हो जाइए, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। आपके स्क्रीन के ऊपर प्रश्न ये रहा, इन स्टॉक एक्सचेंजेस को पूर्व से पश्चिम की ओर सजाएं। अरेंज दी स्टॉक एक्सचेंजेस फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने, ए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, बी टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, डी लंदन स्टॉक एक्सचेंज। न्यूयॉर्क, टोक्यो, बॉम्बे, लंदन। समय हो गया है समाप्त, और समय आ गया है यह बताने के लिए कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले आता है टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज जो कि जापान में है, बी, उसके बाद आता है सी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारतवर्ष में, फिर आता है डी लंदन स्टॉक एक्सचेंज यूनाइटेड किंगडम में, और अंत में ए न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, बी सी डी ए। इसी क्रम में जिन जिन लोगों ने बटन दबाया है उनके नाम हैं ये आपके सामने, और सबसे, अरे सबने सही उत्तर दिया है, और सबसे तेज जवाब आकांक्षा सिन्हा। बहुत बधाई आपको आकांक्षा जी, आपकी जोड़ीदार कहाँ है? माय डैड। आइए 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 भाई साहब, पिता और पुत्री की जोड़ी, बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। आइए आकांक्षा, आप विनय और आप दोनों चले, वहां चलते हैं और खेलेंगे कौन बनेगा महाकरोड़पति। बिग हैंड। बहुत बहुत बधाई आप दोनों को। देवियों सज्जनों, अब मेरे सामने हॉट सीट पर बैठी हैं एक पिता पुत्री की जोड़ी, विनय कुमार सिन्हा जी हैं और उनकी सुपुत्री आकांक्षा सिन्हा। ये पटना बिहार से आए हैं। विनय जी एक कंपनी में डिप्टी मैनेजर हैं और आकांक्षा एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं। विनय जी और आकांक्षा, आज इस हॉट सीट पर बैठकर अपने बीच दो पीढ़ियों के अंतर को कम करने की कोशिश करना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत विनय जी और आकांक्षा आपका। धन्यवाद। और हाँ, तालियां बजाएं इनके लिए। इससे पहले कि हम इस विषय पर चर्चा करें, आप दोनों की जो दूरी है या नज़दीकी है उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो क्लिप है हमारे पास आप दोनों का, उसे देख लेते हैं। कैन वी हैव द वीडियो क्लिप प्लीज। मेरे बेस्ट फ्रेंड मुझसे 30 साल बड़े हैं, पर हमारी बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और मैं उनसे हर बात शेयर करती हूँ। मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे डैड हैं।
हम और हमारी बेटी में दोनों में जो आपस में समन्वय है वो बहुत ही नज़दीकी है। हम जो बोलते हैं वो भी समझती है और वो जो बोलती है हम भी समझते हैं। मेरे डैड विलेज से बिलोंग करते थे, वो थोड़े से कंजर्वेटिव हैं, थोड़े से पुराने ख्यालात के हैं। लड़कियों को बाहर नहीं उतना जाना चाहिए, फिल्म्स अकेले तो अलाउ ही नहीं करते और दोस्तों के साथ भी ऐसा कुछ जाने नहीं देते हैं। डैड बोलते मेरा मोबाइल यूज ज़्यादा हो गया है, आई वॉन्ट अ ब्रांडेड फोन, यू नो 30,000 का फ़ोन क्यों चाहिए भाई। हम ठीक है, हम गांव से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इतना ज़्यादा नैरो माइंडेड नहीं हूँ। मेरे डैड कल्चर को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, वो बोलते हैं कि जितनी चादर हो उतनी ही पैर पसारनी चाहिए। मेरे हिसाब से अगर चादर ही बड़े कर दो तो आपको पैर पसारने की कोई टेंशन नहीं होगी। क्या बात है, वाह, बहुत खुशी हुई आप दोनों की जोड़ी को देख करके, और ख़ास तौर से कि आप दोनों यहाँ आज यहाँ विराजमान हैं हॉट सीट पर। ये जो अंतर है आप दोनों के बीच, क्या लगता है आपको आजकल की जो पीढ़ी है उसमें और आपके ज़माने की, हमारे ज़माने की जो पीढ़ी है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है? सर, जहाँ तक अंतर की बात है, ऐसा नहीं है कि हम लोग उस दौर से नहीं गुजरे से जिस दौर से इन लोग गुजर रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं हम समझते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कितना देर बाहर रहना चाहिए, कितना देर नहीं रहना चाहिए, उसका मतलब अगर समझेंगे तो शायद तकलीफ नहीं होगा इनको। कितने देर बाहर रह सकती हैं आप? 7 बजे के बाद रात 7 बजे शाम में फिर कॉल्स आने लगते हैं, बहुत कॉल्स आने लगते हैं। लेकिन मोबाइल तो है नहीं आपके पास, कॉल कौन करता है? मोबाइल है पर अच्छा वाला नहीं, अच्छा वाला नहीं। स्मार्टफोन चाहिए, स्मार्टफोन उसमें सब जानकारी सब मिलती है। सर, स्मार्टफोन का मतलब है कि उसमें इंटरनेट लगाइए। पर इंटरनेट इतनी बुरी चीज़ नहीं है। नहीं नहीं, बुरी चीज़ नहीं है। हाँ। मैं बुरी चीज़ नहीं। बहुत सारा ज्ञान भी प्राप्त होता है। बहुत सारा ज्ञान भी, लेकिन बहुत अज्ञान भी प्राप्त, अज्ञान भी प्राप्त होता है। वो मैं समझ सकता हूँ कि आप किस ओर आपकी दिशा जा रही है, लेकिन थोड़ा सा विश्वास तो करना चाहिए। बेटी अब 18 साल की हो गई। कर रही हूँ कोशिश तो कर रहा हूँ। देखिए, ये कोई बुरी बात नहीं। देखिए, हर पीढ़ी के साथ ऐसा होता, हमारे साथ भी ऐसा ही होता था। हमको बाबूजी बोलते थे कि जो सड़क की जो लैंप है उसके जलने से पहले आपको घर के अंदर वापस आ जाना चाहिए। जी 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 जी। और जो हमारी पीढ़ी है वो जब जलने का ऑफ होने का समय होता तब आते हैं। इसके साथ जूझना बड़ी मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल है सर। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपने बहुत पहले से बचपन से उनको अनुशासित रखा है, डिसिप्लिन सिखाया है, तो कहीं ऐसी गुंजाइश नहीं होती बच्चों में कि हम जानबूझ करके कुछ ऐसा काम करें जिससे माता पिता जो है नाराज हो जाएं। और पार्टी वगैरह में इनको जाने दिया कीजिए, कुछ ऐसी बुरी बात नहीं है सर। नाचेंगे गाएंगे और क्या करेंगे। लोगों से बातचीत होगी, जानकारी होगी, इधर उधर थोड़ा सा हंसेंगे खेलेंगे, उसके बाद वापस आ जाएंगे, क्या है। लेकिन आपको विश्वास होना चाहिए जी। और आपको इनको विश्वास दिलाना चाहिए। हाँ जी। माता जी सुन रही हैं बहुत ध्यान से इसको। नमस्कार करता हूं आपको और स्वागत आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तो रूल्स तो आपको पता है, 14 प्रश्न आएंगे, उसका उत्तर देते जाइए और धनराशि जीतते जाइए। 7 करोड़ रुपये तक आप जा सकते हैं। 4 लाइफलाइन है आपके पास, ऑडियंस पोल है, फोन अ फ्रेंड है, डबल डिप है, और चौथी लाइफलाइन त्रिगुणी। यहाँ पर सुमेन सिंह जी बैठे हैं, उसके बाद द्वैता दत्त जी हैं और वनराज सिंह चौड़ा जी हैं। इन्होंने अपने गांव जो है खास गुजरात में है, इन्होंने वहाँ पर एक लाइब्रेरी पुस्तकालय एक खोला है और उसका नाम दिया हुआ इन्होंने KBC लाइब्रेरी। और सर, मैं KBC के बारे में कहना चाहता हूँ, हमारे गुजरात में बोला जाता है कि गांधी जी की हड़ताल, नरसिंह मेहता की करताल और स्वामीनारायण का हड़ताल और उसके साथ जो KBC की पड़ताल, उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और इन्हीं अच्छे मधुर शब्दों के साथ हम इस खेल की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं। भाई साहब आकांक्षा जी तैयार हैं आप दोनों? हाँ, चलिए शुभारंभ करते हैं अद्भुत खेल जिसका नाम है कौन बनेगा महाकरोड़पति। लेट अस प्ले लेडीज एंड जेंटलमैन। पहला प्रश्न आ रहा है आकांक्षा, विनय, विनय जी तैयार हैं आप दोनों? यस सर। ओके, 5,000 रुपये मिल सकते हैं इसके लिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। लुइस कैरल द्वारा लिखी गई एक कहानी में एलिस
सफेद खरगोश का पीछा करते हुए कहां पहुंच जाती है? ऑप्शन सुनिए, ए हाईलैंड, बी डिज्नीलैंड, सी वंडरलैंड या डी थाईलैंड। सी वंडरलैंड। वंडरलैंड सर, सी वंडरलैंड। अब आपको पता था ये? नहीं, इसको पता था। अच्छा, इनको हाँ जी। क्या करें, ताला लगा दें? ताला। वंडरलैंड सी, ताला लगाया जाए। सही उत्तर, 5,000 जीत गए आप। एलिसिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड की रचना 1865 में लिखी गई थी। वाह वाह, 1865 में। ये आपको पता नहीं था? नहीं सर, पता नहीं था। तो एक नंबर इनका हो गया आगे आपसे। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है दूसरा प्रश्न, तैयार हो जाए। जी सर। दूसरा प्रश्न, 10,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, एक गज का तीसरा हिस्सा इनमें से किसके बराबर होता है? ए 1 फुट, बी 24 इंचेस, सी 3 मीटर्स या डी 12 सेंटीमीटर्स। ए 1 फुट। श्योर है? श्योर है। आकांक्षा सहमत है आप? ऑलराइट, 1 फुट ए, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर, 10,000 जीत गए। एक गज 3 फुट का होता है और 1 फुट इज इक्वल टू 30.48 सेंटीमीटर्स, 1 यार्ड इज इक्वल टू 0.9144 मीटर्स। आपको पता था इसका उत्तर? नहीं मालूम था? गजब है ये तो। गजब है सर, आप सोच लीजिए सर। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पर। आकांक्षा तैयार हो जाइए आप। तीसरा प्रश्न, 20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर। ये रहा, यदि आप कन्याकुमारी से पश्चिम की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले आप किस महाद्वीप पर पहुंचेंगे? ऑप्शंस ए ऑस्ट्रेलिया, बी साउथ अमेरिका, सी एंटार्क्टिका, डी अफ्रीका। कन्याकुमारी से पश्चिम की ओर जाएं? पश्चिम, इस तरफ। इफ यू ट्रेवल ड्यू वेस्ट फ्रॉम कन्याकुमारी, विच कॉन्टिनेंट वुड यू फर्स्ट रीच? बहुत आसान सा है, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका या अफ्रीका। अफ्रीका पहुंच। श्योर है? ताला लगाने लायक? यस सर। ओके, अफ्रीका डी पे ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर आपका, 20,000 जीत गए आप। किस सोच विचार में पड़े थे आप? वो वेस्ट को ईस्ट बोल रहे थे। वेस्ट इधर जा रहे थे, इधर तो ईस्ट होना चाहिए। राइट इज ईस्ट। नहीं नहीं, मेरे लिए तो ये अभी अलग ही हो रहा ना कुछ, यहाँ से बैठ करके अलग ही दिखता है। आपका राइट तो ईस्ट होगा। नहीं नहीं, देखिए मैं अगर यहाँ पर ऐसे 6 लिखूंगा और आपको ऐसे दिखा दूंगा तो आप तो 9 ही पढ़ेंगे ना उसको। तो मेरे लिए 6 होता है, आपके लिए 9 होता है। नहीं, बिल्कुल सही उत्तर आपका। कन्याकुमारी भारत के सबसे नीचे स्थित है। कन्याकुमारी जिस लैटिट्यूड पर स्थित है वो अफ्रीका से उसे जोड़ता है। यस, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पर। 40,000 रुपए मिल सकते हैं इसके लिए, और इसके लिए आपको इस अगले प्रश्न का सही उत्तर देना पड़ेगा। और अगला प्रश्न ये रहा, पटना के प्रसिद्ध सुपर 30 संस्थान के संस्थापक कौन है, जहां गरीब बच्चों को IIT-JEE के प्रवेश परीक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाता है? नाम सुनिए, ए नीतीश कुमार, बी आनंद कुमार, सी सुशील कुमार या डी अनुराग आनंद। आनंद कुमार, सुशील कुमार, अनुराग कुमार, नीतीश कुमार तो राज है, आनंद कुमार, सुशील कुमार। हु इज द फाउंडर ऑफ पटनास फेमस सुपर 30 इंस्टीट्यूट? कोचेज इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट्स फॉर IIT एंड JEE। सुशील कुमार या आनंद कुमार, बोलिए सर, 25 सेकंड रह गए। लाइफलाइन, शांत हो जाएं टिकटॉक जी, लाइफलाइन इतनी जल्दी। अरे बड़ा आसान सा प्रश्न है ये तो। कौन सी लाइफलाइन लेंगी? डबल डिप लाइफलाइन। ओके, कमिश्नर महाशय, डबल डिप को अंकित किया जाए। और जैसे ही अंकित होगा आपको हम बता दें, अब आप गेम क्विट नहीं कर सकते और ना ही कोई दूसरी लाइफलाइन ले सकते हैं, लेकिन आप 2 उत्तर दे सकते हैं। पहला उत्तर बताइए। बी आनंद कुमार को ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका, ये आनंद कुमार, बिल्कुल सही उत्तर। 40,000 रुपए जीत गए। आनंद कुमार ने
इसकी शुरुआत की थी 2003 में। प्रतिवर्ष ये संस्था गरीब परिवारों के 30 प्रतिभावान बच्चों का चयन करती है बिना कोई शुल्क लिए, बिना पैसे लिए उनसे। उन्हें IIT परीक्षा के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, उनको एजुकेट किया जाता है। इन बच्चों के खाने और रहने का इंतजाम भी ये संस्था अपने खर्चे पर करती है। चलिए अब आ गया है अगला प्रश्न, जिसका मूल्य है 80,000 रुपये। एक लाइफलाइन चली गई है, कोई बात नहीं। ये पांचवा प्रश्न, इसके साथ जूझिए अब आप। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये किस अभिनेता की आवाज है? जैसे ही ये प्रश्न पढ़ा आपने उनकी तरफ देखा, आप ही जवाब दीजिएगा। मुझे तो पता नहीं है एक्टर एक्टर के बारे में क्या होता है। फिल्म वगैरह तो जाने देते हैं ना बाबूजी? अकेले नहीं पर साथ में। और जाते तो है ना, लेकिन देखने के लिए। अकेले ना गए तो क्या हुआ? साथ में जाते। अकेले जा करके क्या कीजिएगा? साथ में होना चाहिए, कोई आदमी होना चाहिए साथ में, है कि नहीं? हाँ सर, आप साथ में होना चाहिए ना। होना चाहिए ना सर। दोस्त भी साथ। अच्छा, अभी ये नहीं बताया हमने कि कौन होना चाहिए साथ में। ऑडियो सुनाया जाए कंप्यूटर महाशय। साड़ी गली आ जाना। ओके, ऑप्शन सुनिए। ए अर्जुन कपूर, बी आदित्य रॉय कपूर, सी आयुष्मान खुराना, या डी अभिषेक बच्चन। सी आयुष्मान खुराना। सहमत हैं आप भाई साहब? जो बोल रहे हैं सहमत हैं सर। जो बोल रहे हो सहमत है? मेरे को और विषयों पर भी जो ये बोले उसको मान लिया कि नहीं। क्या किया जाए? लॉक किया जाए। लॉक कर दें। आयुष्मान खुराना, सी ताला लगाया जाए। ये सही है। कैसे मालूम आपको? पता है मुझे। तो पता है तो ठीक ही होगा, 80,000 रुपए जीत गए आप। गाने का शीर्षक है साड्डे गली आजा, फिल्म का नाम था नौटंकी साला, और इसके गायक थे आयुष्मान खुराना और नीति मोहन, दोनों बहुत ही सुंदर गायक। आपने, हमने सुना है, अपनी सुपुत्री को ये आदेश दिया है, सिखाया है, पढ़ाया है कि KBC में आकर के किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। क्या सिखाया इन्होंने? ज्यादा मत बोलना। अरे पर क्यों? मतलब कुछ गलत मत बोल देना, किसी का मजाक मत उड़ा देना, सार्केस्टिक मत हो जाना। अच्छा, ये सब बताया है? देखिए, आप जितना कुछ इन्होंने बताया वो सब आप कीजिए, हमें बिल्कुल इतराज नहीं है। आप सार्केस्टिक होइए, आपको जो बोलना है मन में बोलिए, बल्कि आप बोलते रहेंगे तो हमें अच्छा लगता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे कंटेस्टेंट जो हैं बोलें, आपस में डिस्कशन करें, झगड़ा मत कीजिएगा आपस में। नहीं सर, मैं ऐसा कुछ इतना ज़्यादा, हाँ कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए आप, थोड़ा सा छूट दे देना चाहिए, है कि नहीं? अच्छा श्यामा रानी जी, आप ज़्यादा मिलनसार हैं बेटी के साथ, या छूट देती इनको जो मन में आए कर लें? जब मेरे से नहीं मानती है सर ना, तो बोलते थे डैड से पूछो, डैड अगर अलाउ करते हैं तो तुम जाओ। तो अच्छा, आप भी डैड को तुम बता देती हो। ठीक है, समझ गए सब बात, ये फैमिली ऐसी ही है। अगला प्रश्न आ रहा है 1,60,000 रुपए का, ये है छठा प्रश्न। तैयार हो जाइए, एक लाइफ लाइन चली गई आपकी। 1,60,000 रुपए, छठा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नेत्र बैंकों में आंख का कौन सा हिस्सा प्रत्यारोपण के लिए संग्रहित किया जाता है? ऑप्शन सुनिए। ए कॉर्निया, बी आयरिस, सी प्यूपल, या डी रेटिना। शांत हो जाए टिकटॉक जी, बताइए कौन सी लाइफलाइन लेंगे? त्रिगुणी। त्रिगुणी से पूछेंगे आप? ओके, कंप्यूटर महाशय त्रिगुणी पर आप निशाना लगा दें, अंकित कर दें इसे। त्रिगुणी आपकी बारी आ गई है। कॉर्निया।
आप पूछना चाहेंगे उनसे कुछ? श्योर है आप? 100% 110% बताइए क्या करना चाहें। कॉर्निया ताला लगा दें, कॉर्निया ए पे ताला लगाया जाए। त्रिगुणी बिल्कुल सही है, आपको उन्होंने 1,07,000, आप उनको धन्यवाद दे दीजिए। इट इज पॉसिबल टू ट्रांसप्लांट वन पार्ट ऑफ द आई, द कॉर्निया। कॉर्निया इज अ क्लियर टिश्यू दैट कवर्स द फ्रंट ऑफ ईच आई, आंख के आगे जो टिश्यू होता है उसको कॉर्निया कहते हैं। डिस्पाइट एडवांसेस इन द साइंस ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इट्स नॉट करंटली पॉसिबल टू रिसीव ए कंप्लीट आई ट्रांसप्लांट। इसीलिए बहुत सी ऐसी संस्थाएं बनी हुई हैं जहां पर वो आई डोनेशन के लिए मांग करते हैं। तो आई बैंक जो है ये बहुत ही एक अच्छी एक संस्था बनी हुई है और बहुत से लोगों ने आई बैंक में अपना डोनेशन किया और जया और मैंने भी ऐसे किया हुआ है और ऐश्वर्या ने भी किया है कि मृत्यु के बाद आँखों का डोनेशन वो कर देंगे ताकि किसी को फ़ायदा हो सके। जब आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है कि नहीं होता? बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, वो पिताजी शांत थे, बोले नहीं कुछ कि झगड़ा होता है नहीं होता, आप ही बोली। किस बात पर होता है? यही सब, पार्टी में नहीं जाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना है। अच्छा, इसका फिर अंत में होता क्या है झगड़ा? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अंडरस्टैंडिंग कौन दबता है पहले? मुझे ही दबना पड़ता है। सर मैं भी दबता हूँ। क्षमा जी, इन दोनों में से कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? दोनों ही सच बोल रहे हैं सर। तो ज्यादा प्रयत्न कौन करता है कि बात जो है वो सुलझ जाए? मॉम ज्यादा करती है, हम लोग मॉम ज्यादा करते हैं कि सुलझ जाए। हाँ, हम लोग पर तो, वो तो कहते हैं कि अब जो बाबूजी बोल रहे हैं वो सही है। हर समय नहीं, कभी कभी मेरी साइड भी ले लेती है, कभी कभी आपकी साइड ले लेती है, कभी कभी बोलती है। हाँ, ज्यादातर लेती है तो कभी कभी बोलती है। कभी कभी होता है, ये ज्यादातर नहीं होता है। कौन से विषय पर ज्यादातर नहीं होता है? फॉर एग्जाम्पल, पार्टी में जाना तो नहीं, पट्टा बताइए सर, हमको तो पहले समझा नहीं था कि पट्टा क्या होता है। जी, हमको भी नहीं मालूम पट्टा क्या, आपको मालूम है पट्टा क्या होता है? ए, किसी को पता है यहाँ पट्टा क्या होता है? कहाँ जा रही हो? पट्टा मारने जा रहे हो? पट्टा मारने मतलब राउंड लेके आना, कहीं से राउंड लेके आना को पट्टा मारना बोलते हैं? एक मिनट इधर रुकिए, मैं पट्टा मार के आता। पट्टा मार दिया भाई साहब। सॉरी कौन पहले बोलता है? सॉरी कोई नहीं, कोई नहीं, सॉरी कोई बोलता ही नहीं। तो फिर बात सुलझती कैसे? भूल जाते। अच्छा, आप लोग भूल जाते हैं किस विषय पर झगड़ा हुआ? बहुत अच्छी जोड़ी है आप दोनों की, मैं क्या बताऊं। चलिए, 1,60,000 रुपए जीत गए हैं, अब अगले प्रश्न का उत्तर दीजिए और 3,20,000 रुपए जीतिए। सातवां प्रश्न आ रहा है, बहुत ध्यान से इसका जवाब दीजिए और वो प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। स्ट्रिक्टली पर्सनल किस दंपत्ति की जीवनी है जिसे उनकी बेटी ने लिखा है? ए सुनील दत्त एंड नरगिस, बी राजीव एंड सोनिया गांधी, सी बिल एंड हिलरी क्लिंटन, या डी मनमोहन सिंह एंड गुरशरण कौर। काफी चर्चित बात रही है ये। पच्चीस सेकंड रह गए। डी मनमोहन सिंह एंड गुरशरण कौर। श्योर है? ताला लगाने लायक? यस सर। मनमोहन सिंह एंड गुरशरण कौर, डी। इस पे ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। अब की बार आपने ये नहीं कहा कि जो पिताजी कहेंगे उस पे हम मानेंगे, आपने स्वयं अधिकार लिया है। नहीं नहीं, ये पापा ने बोला। 3,20,000 जीत लिया आपने, बिल्कुल सही उत्तर आपका। अब बधाई दीजिए अपनी पुत्री को। और ये एक और चेक आ गया, तालियां बजती रहे जोरों से।
ये आप रखिए इसे, ये आपका हो गया। थैंक यू सर। ये पब्लिश हुई थी अगस्त 2014 में। Strictly Personal इज रिटन बाय दमन सिंह, द फॉर्मर पीएम्स डॉटर, उनकी पुत्री है। यस सर। एंड कवर्स हिज लाइफ टिल ही बिकेम प्राइम मिनिस्टर इन 2004। ये जो प्राइज मनी आपको मिलेगा, हम तो उम्मीद करते हैं कि आप और आगे भी जाएं, क्या कीजिएगा उसके साथ आकांक्षा आप? मैं तो सब डैड को दे दूंगी। सब कुछ आप दे देंगी? इधर पूछेंगी उनसे, इजाजत उन्हीं से लेंगी। पूरा निर्भर है आप इनके ऊपर अभी के लिए। अभी के लिए दे देंगे। अच्छा, इसमें से स्मार्टफोन तो आ जाएगा आपके पास आराम से अब तो, तो वो ले करके बाकी जो बचा बचाव होगा फिर दे दीजिए। ठीक है, तय हो गया है भाई साहब। अब आप नहीं रोक सकते नहीं, नहीं, उसको नहीं, इंटरनेट होता है उसके ऊपर, बता दें हम आपको। आठवां प्रश्न आ रहा है। दो लाइफलाइन चली गई आपकी, बहुत ध्यान से खेलिए। ये आठवां प्रश्न आपको दे सकता है 6,40,000 रुपए। और जैसा कि आप जानते हैं, यहां पर हमारा सप्तकोटि संदूक भी खुल जाता है। 12वां प्रश्न 1 करोड़, उसके बाद 3 करोड़, उसके बाद 7 करोड़। चलिए, 8वां प्रश्न 6,40,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। सन 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहां होगा? ऑप्शंस ए इंडिया, बी वेल्स, सी ऑस्ट्रेलिया या डी कनाडा। सी ऑस्ट्रेलिया सर। श्योर है? श्योर सर, गोल्ड। आकांक्षा सहमत हैं आप? हाँ जी। क्या किया जाए? लॉक किया जाए। ऑस्ट्रेलिया सी। ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। बिल्कुल सही उत्तर है आपका, 6,40,000 रुपए। और एक और चेक आ गया है आपके नाम। बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने, ये मैं अपने पास रख रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि और आगे जाएं। विल बी हेल्ड इन द गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया। 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स वो हेल्ड इन स्कॉटलैंड, अभी अभी हाल ही में। और अगला जो है 4 साल के बाद होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में होगा, कॉमनवेल्थ। ओके, अब आपके पास समय, अरे हुटर बज गया, समय समाप्त हो गया खेल का। कोई बात नहीं, आगे फिर खेलेंगे आपके साथ। देवियों सज्जनों, समय तो खेल का यहाँ समाप्त हो गया है, लेकिन अब समय है आपको बताना कि हमारी जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता होती है, उसके विजेता कौन है। तो मैं चाहूँगा कंप्यूटर जी बताएं आज की विजेता कौन है। ये है प्रमोद कुमार जी हैदराबाद से। प्रमोद कुमार जी को फोन लगाया जाए। हेलो, प्रमोद कुमार जी बोल रहे हैं? यस सर। नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा महाकरोड़पति से। सर नमस्कार सर, क्या हाल चाल है आपके? बस बढ़िया सर, एकदम। प्रणाम सर आपको। जी प्रणाम करता हूँ आपको। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी सर कि हमारी जो घर बैठे जीतो जैकपॉट प्रतियोगिता होती है। जी सर, आपने सही उत्तर दिया, लाख रुपया जीत गए आप, बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अच्छा, हमारे पास जो जैकपॉट प्रश्न है उसे आप खेलना चाहेंगे? जी नहीं सर, जितना मिल जाए बस, आपसे बात हो गई, यही बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। देखिए मैं आपको लालच दे रहा हूँ सर, आपसे बात हो गई, मैंने तो 7 करोड़ 1 लाख रुपए जीत लिए सर। क्योंकि यदि आप जैकपॉट प्रश्न खेलते तो 2 लाख रुपए आप और जीत सकते थे, यानी कुल मिला के 3 लाख आप आज जीत सकते थे। लेकिन आपकी बातों को हम सराखों पर रखते हैं और बधाई देते हैं कि आप 1 लाख रुपए जीत गए हैं। यहाँ पर जितनी जनता है आपको ताली बजा करके आपका अभिनंदन। थैंक यू सो मच प्रमोद कुमार जी। तो देवियों सज्जनों, आज का समय यहीं समाप्त हो जाता है। जाने से पहले इंटरनेट, इंटरनेट की बात आ गई भाई साहब, देखिए इंटरनेट से प्राप्त की हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं। ये उन लोगों की सूचना के लिए है जो अपनी दिलरुबा से प्यार का इजहार करने वाले हैं। देखिए, यदि आप किसी लड़की को अपने दिल की बात कहने जा रहे हैं तो यह बहुत जरूरी है कि सबसे पहले आप उसकी सहेली का विश्वास जीत लें। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 40% लड़कियां अपने प्रति हां या ना केवल इस आधार पर तय करती हैं कि उसकी सहेली ने आपको पास किया है या नहीं। यानी सहेली अगर पास कर दे तो ठीक है, ना पास करे तो गए काम से। तो इसी के साथ आज का हमारा ये कार्यक्रम समाप्त हो गया। आज्ञा दीजिए,
अब आप देखिए सोनी का अगला धारावाहिक जिसका नाम है हम है ना। आपसे फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।